सो वेलकम बैक दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं पैशन गाड़ी, पैशन ग्रे गाड़ी की। पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि उसकी चैसिस वगैरह हमने पेंट की है, उसका वीडियो हमने डाला है इसी चैनल के ऊपर। अगर आपने देखा नहीं है तो वो देखिए पहले। उसके बाद अब आज हम करेंगे टंकी को टोटली पेंटिंग की प्रोसेस। ओके, पहले उसके ऊपर ब्लैक मारेंगे, पीछे के साइड में जो होता है वो ग्रे कलर है, और स्टिकर बिटाएंगे, कोटिंग करेंगे। ये सब की सब टोटल प्रोसेस, टंकी तैयार हो जाने के बाद आपको ब्रांड न्यू दिखाई देगी, उसकी प्रोसेस टोटली इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो भी किस तरीके से होता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। 1,00,000 सब्सक्राइब होने के लिए सिर्फ 1,500 सब्सक्राइबर अब बाकी है, तो सपोर्ट कीजिए चैनल को ग्रो करने के लिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए देखते हैं आगे का वीडियो किस तरीके से। पर टोटली हमने ब्लैक कलर मार दिया है। अब इसके ऊपर हम स्टिकर लगाएंगे, यहाँ पे स्टिकर लगाएंगे, और उसके बाद यहाँ से पीछे के साइड में ग्रे कलर आता है इतना सा, वो भी मास्किंग करके पीछे के साइड में ग्रे कलर मारेंगे। तो चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं किस तरीके से होते हैं। अब इसके बाद हम इसके ऊपर स्टिकर लगाने की प्रोसेस देखेंगे। यहाँ पे आप देखिए इसके ऊपर स्टिकर लगाने की प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है। ओके, दोनों साइड से अब यहाँ से इसको ढकना है, पीछे के साइड को इसको ढकना है, और इस साइड में यहाँ से यहाँ तक ये ग्रे कलर आता है। ओके, इतना तो अब इसको ढकने का है, और उसके बाद इस साइड में ग्रे कलर मारने का है। तो उसकी प्रोसेस किस तरीके से ये देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो आगे की साइड जो है वो ब्लैक रहती है, ये पीछे की साइड ग्रे रहती है। यहाँ पे अब हम ग्रे कलर मारेंगे, इसलिए आगे की साइड में ये कलर ना जाए इसलिए इसके ऊपर हमने ढक दिया है। अब इसके ऊपर ग्रे कलर मारेंगे और उसके बाद कोटिंग मारेंगे। कि हमें ना देखा जाए तो डबल टोन ज़्यादातर करके डबल टोन, यानी कि आगे ब्लैक नीचे पीछे दूसरा कलर, ये डबल टोन खाली पैशन गाड़ी में ही आता है ज़्यादातर देखा जाए तो। इसीलिए इस पैशन गाड़ी को पेंटिंग करने के लिए, अगर टंकी को भी खाली पेंटिंग करने के लिए हो तो थोड़ा सा पैसा अदर गाड़ी से ज़्यादा लगता है, इसको पेंटिंग की कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है। ओके, क्योंकि ये दो कलर होते हैं, इसको अलग से मास्किंग करनी पड़ती है, अलग से बहुत सारा झमेला होता है, इसीलिए इसका पेंटिंग की कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। ओके, अब हम इसके ऊपर का पेपर वगैरह निकालेंगे। स्टिकर के ऊपर एक कवर रहता है, यहाँ पे आप देखिए स्टिकर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे एक प्लास्टिक का स्टिकर रहता है,
इसको निकालेंगे और उसके बाद इसके ऊपर क्लियर कोट मारेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो टंकी है। यहाँ पे आप देखिए आगे स्टिकर लगाया है, पीछे ये ग्रे कलर मार दिया है। अब इसके ऊपर हम कोटिंग मारेंगे और कोटिंग मारने के बाद आपको गाड़ी की शाइनिंग दिखाता हूँ किस तरह।